नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में डॉक्टरों का आंदोलन जारी है। झारखंड में आज भी डॉक्टर आंदोलन पर हैं। इमरजेंसी में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई गई। पिछले तीन दिन से आंदोलन कर रहे हैं झारखंड के डॉक्टर और ऐसे में मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है झारखंड के डॉक्टर, लेकिन अभी भी आंदोलनरत हैं। झारखंड के सात मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जूनियर डॉक्टरों का ये आंदोलन जारी है। ओपीडी सेवा बंद रहने से मरीज ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इलाज के अभाव में मरीजों को वापस अपने घर लौटना पड़ रहा है। डॉक्टरों के को सुरक्षा देने की मांग को लेकर ये सभी डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। तो देखिए, बंगाल में बवाल के बाद डॉक्टरों में उबाल है और जो डॉक्टर हैं अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड की बात करें तो सात मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हड़ताल पर हैं और उन सभी ने ओपीडी सेवा बंद कर दी है। सबसे ज्यादा परेशानी दूर दराज से आए मरीजों को हो रही है, क्योंकि वो इस उम्मीद में पहुंचते हैं हॉस्पिटल कि उन्हें इलाज मिलेगा, लेकिन उन्हें वापस घर लौटना पड़ रहा है और डॉक्टर की तरफ से मांग की जा रही है कि डॉक्टरों को सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए। बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले ने पूरे देश के डॉक्टरों में गुस्सा भर रखा है और आक्रोशित डॉक्टर अपने प्रोटेक्शन को लेकर, सुरक्षा को लेकर गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं। कोलकाता में लगे कलंक का देश भर में विरोध हो रहा है और राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की तस्वीर क्या है वो आप जानते हैं कि रिम्स से फिलहाल इमरजेंसी सेवा बहाल है, लेकिन ओपीडी समेत वार्ड में जितने भी मरीज भर्ती करने की जो प्रक्रिया है तमाम प्रक्रिया फिलहाल ठप कर दी गई है। हमारे सामने यहाँ पर रिम्स में देखिये जूनियर डॉक्टर से एक तरफ है जो इंसाफ की उम्मीद लगाए हैं, लेकिन बात कलकत्ता से निकली है और रिम्स की बुनियादी सुविधाओं पर आकर टिक गई है कि रिम्स में महिला डॉक्टर कितनी सुरक्षित है, ये बड़ा मुद्दा ये भी बनकर आया है। ये रिम्स की बात करें, कोलकाता से बात निकली, रिम्स पर अटकी है, मांग अभी तक कहां पहुंची? देखिए, बात कोलकाता से शुरू हुई है, इसीलिए हम लोग कोलकाता को पहले, हमारा पहला ये मुद्दा है कि कोलकाता में जो घृणित हरकत हुआ है उसके जो भी मुख्य आरोपी हैं वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और उनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत हाईली इन्फ्लुएंशियल हैं। सबसे पहले तत्कालीन उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, हमारा पहला मांग यही है। फिर हम दूसरा ये चाहते हैं कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है जिसका अभी तक कोई लिखित में कोई गारंटी नहीं मिला है, हम लोगों को सिर्फ वर्बल आश्वासन मिला है, हम चाहते हैं कि उसका लिखित हम लोगों को उस पर ऑर्डर निकले ताकि ये जो घटना कोलकाता में हुआ है ये दोबारा कहीं ना हो। क्या समस्या? टीबी का प्रॉब्लम है, यहाँ से दवाई लिख के दिए हैं तो दवाई वहाँ बोकारो में नहीं दे रहे हैं, उसके लिए हमको आना पड़ा है। आप कहाँ से हैं? हम खरौंधी थाना से हैं। आप? ऐसे तो हम नवादा रहने वाला जिला है, नवादा से आए हैं, लेकिन बुटी मोड़ में परिवार है तो बोला कि यहाँ रिम्स में अच्छा है, तो आज 10 तारीख से हम भर्ती कहले हैं तो कुछ समझ में आ रहा है कि क्या है आपके हाथ में, क्या रिपोर्ट अथी जमा करने के लिए आए हैं तो बोल रहा वहाँ जाइए, सब जगह घूर रहे। और आप कहाँ से? पाकुड़ से हैं सर। वो बच्चा है विकलांग टाइप पर है, उसको हड्डी का प्रॉब्लम है, सोचे थे डॉक्टर साहब अच्छा से देख करके उसको कुछ लोहा वगैरह छड़ वगैरह लगा के उसको सीधा करेंगे, लेकिन आज 5 दिन से हम बैठे हुए हैं कंटिन्यूअस, मैंने चार पांच दिन हो गए। हर मरीजों की भीड़ है और हर चेहरे पर अपनी एक दर्द भरी कहानी है, लेकिन इलाज कहाँ है तो इलाज सरकार के पास छुपा है, जिसकी मांग जूनियर डॉक्टर कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर साफ कर रहे हैं कि जब तक कोलकाता में जो उसके दोषी हैं कोलकाता कांड के उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन साथ में एक और मांग जोड़ दी गई है, रिम्स की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी मांग, जो सुरक्षा से जुड़ी मांग है, और सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हो, चारदीवारी की बात हो, स्ट्रीट लाइट लगाने की बात हो, तमाम मांगों को लेकर यहाँ आवाज बुलंद किया जा रहा है। कैमरामैन प्रभा के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। बढ़ते हैं आगे, विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। रांची में बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि स्वागतम बैंक्वेट हॉल में ये बैठक होगी, जिसमें अब अपडेटेड जानकारी ये है कि शिवराज सिंह चौहान जो झारखंड चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं वो इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं। पहले खबर थी कि वो शामिल होंगे,
कैबिनेट की बैठक की वजह से वो रांची नहीं आने वाले हैं, ऐसे में वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी, झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा इसमें शामिल होंगे। बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर आज प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 500 से ज्यादा मंडल अध्यक्ष शामिल होंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्व सरमा, झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी इस बैठक में शामिल होंगे। और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को इसमें टास्क दिया जाएगा कि चुनाव को लेकर किस तरीके से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनसे जानेंगे ये जो मंडल अध्यक्ष की जो आज बैठक है ये कितनी महत्वपूर्ण माने। देखिए, हमारे यहाँ जितनी भी इकाइयाँ हैं वो सभी महत्वपूर्ण है, और खास करके मंडल की जो इकाई है, मंडल की जो कार्य समिति है, मंडल के अध्यक्ष हैं, यही सारे चुनाव का मोनिटरिंग करते हैं और काम करते हैं। नीचे हमारे बूथ अध्यक्ष भी हैं, शक्ति केंद्र के संयोजक भी हैं। तो आज की बैठक में झारखंड के सभी मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया है, जिला अध्यक्ष को बुलाया गया, जिला के पदाधिकारियों को बुलाया गया, प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाया गया है। और इस बैठक में आने वाले चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है कि हम हर हाल में झारखंड में हमें सरकार बनाना है। चूंकि 5 वर्षों के अंदर झारखंड की जो वर्तमान सरकार है हेमंत सोरेन की, इसने झारखंड को बहुत पीछे ले गया। जब हमारी सरकार थी आज से 5 साल पहले, तो हम झारखंड को एक विकसित राज्य की श्रेणी में। बड़ी बात बता रहे हैं कि आज की जो बैठक है रणनीति को आखिरी जो है रूप दिया जाएगा। बोले कि आप लोग कहाँ से हैं? जी, हम लोग रामगढ़ कैंट मंडल से हैं, और आज की इस बैठक में हम लोग शामिल हो रहे हैं। आगे हम लोगों को जो भी दिशा निर्देश मिलेगा हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है अपने अपने मंडलों में। आप? हम चितापुर मंडल अध्यक्ष हुए गणेश प्रसाद सोनकर। आज हम लोग को जो प्रदेश में बुलाया गया है चुनाव संबंधी जो जानकारी हम लोग को मिलेगा, एक तरह से प्रशिक्षण हम लोग का हो रहा है। आगरा चुनाव में हम लोग भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में सरकार बनाएंगे, यही संकल्प लेकर हम लोग यहाँ। टास्क की बात कर रहे हैं कि हर बूथ स्तर पर जो पार्टी ये दावा कर रही है कि मजबूत किया जाएगा पार्टी को, तो आज में टास्क में क्या खास रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और हमेशा कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाता है। आज के बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होना, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार 5-6 साल काम में लगा रहता है। आज बैठक में पार्टी के मंडल अध्यक्ष तक के नेताओं को बुलाया गया है और सबको अपने काम की जिम्मेवारी दी जाएगी। मुझे लगता है कि जिस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है, आने वाला समय, चूंकि 5 वर्षों का कुशासन हमने देखा, भ्रष्टाचार का शासन देखा, तो बिल्कुल देखिए जो बड़ी बात बता रहे हैं कि जो टास्क जो है वो टास्क आज दिया जाएगा। साथ में हिमंत बिस्व सरमा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो हैं वो आपको यहाँ पर पहुंचेंगे, और जो रणनीति होगी पार्टी की वो अंतिम रणनीति बनाने की कोशिश होगी। इस बैठक में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी आने वाले थे, लेकिन कैबिनेट की वजह से वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को, मंडल अध्यक्षों को संबोधित कर सकते हैं। कैबिनेट प्रभारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो बीजेपी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में जीत का मंत्र दिया जाएगा, जीत का टास्क भी दिया जाएगा, कैसे कार्यकर्ता जो है घर घर तक पहुंचे और बीजेपी के बारे में बताएंगे और पार्टी के मुद्दों को समझाएंगे। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, अभी हम सुन भी पा रहे थे बीजेपी के नेताओं से आपने बातचीत की, जिन्होंने बताया कि ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। आप जरा ये बताए कि इस बैठक की शुरुआत कब होनी है और अब तक कौन कौन लोग बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए? विधानसभा चुनाव से पहले ये सबसे बड़ी आखिरी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 500 से ज्यादा मंडल अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। साथ ही देखिए, मंडल अध्यक्ष के नीचे ही बूथ स्तरीय कार्यकर्ता होते हैं। रिपोर्ट यही जो है ये आपको सौंपते हैं आला कमान को, जो प्रदेश से नेतृत्व को आले जो है रिपोर्ट यही सौंपते हैं कि बूथ स्तर पर तैयारी किस तरह से हो रही है। और अभी जो अपडेट है उस अपडेट में सबसे पहले अपडेट आपको दे दें कि अभी तक बाबूलाल मरांडी यहाँ पहुंच चुके हैं। उसके अलावा तुरंत अभी चूंकि आपको जो चुनाव सह प्रभारी हैं हेमंत बिस्व सरमा, वो कल शाम में ही रांची पहुंच गए थे और अब वो सीधे जो है कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। उनके अलावा आपको लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी पहुंचने वाले हैं। तो तमाम लोगों को एक कमरे में बिठा दिया गया, हॉल में बिठा दिया गया। जो भी मंडल अध्यक्ष हैं वो
कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई है और जैसे ही ये तमाम बड़े नेता कार्यक्रम स्थल में पहुंचेंगे तो उनके पहुंचने के साथ ही उनको वो रणनीति समझाई जाएगी और टास्क दिया जाएगा जो उन्हें जाकर जमीन पर उतारना है। देखिए बीजेपी की सबसे बड़ी कोशिश है कि बीजेपी जो बार बार हर मंच से ही कर रही है कि सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी वो वादे पूरे नहीं कर पाई है, तो कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ा टास्क यही दिया जाएगा कि आप जाएं और 2019 में सत्ता जो हेमंत सरकार सत्ता में आई थी उन जिन वादों के साथ आई थी जनता से ये बताएं कि उन वादों का क्या हाल है, वे वादे पूरे हुए नहीं हुए, संथाल में जिस तरीके के हालात हैं उन हालात के बारे में जनता को जानकारी दे जागरूक करें। देखिए बता दें कि ये जो 500 से ज्यादा जो मंडल हैं ये मंडल दरअसल एक जो 81 विधानसभा क्षेत्र हैं उनको ध्यान में रखकर टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर मंडल का जो मंडल बनाया जाता है, मतलब पार्टी माइक्रो लेवल तक मंडल के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश करती है और उन्हें वोटर के रूप में तब्दील करने की कोशिश करती है। तो मंडल अध्यक्ष की जो बैठक होती है वो पार्टी के लिहाज से सबसे अहम बैठक होती है क्योंकि वही मंडल अध्यक्ष जो जाकर के जमीन पर चीजों को उतारने का काम करते हैं, बूथ स्तर के नेता उनके अंडर में काम करते हैं। तो आज उन्हें चूंकि मीडिया का प्रवेश अंदर थोड़ी अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है तो तमाम नेता यहाँ पर आएंगे। ठीक है संजय, इंतजार करना होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं और बीजेपी कौन कौन से मुद्दे इस बैठक में उठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और देखिए बीजेपी के मंडल अध्यक्षों की होने वाली बैठक को लेकर जेएमएम ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बोरो प्लेयर लाकर बीजेपी गोल करने की तैयारी कर रही है लेकिन झारखंड में गोलकीपर के तौर पर हेमंत सोरेन मौजूद है इसलिए कोई भी गोल होने वाला नहीं है। इसकी जमीन कमजोर होती है वही मजबूत करने की तैयारी करता है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत ही कमजोर स्थिति में है, ये बोरो प्लेयर लाकर दूसरे राज्य के खिलाड़ी को लाकर यहाँ गोल करना चाहते हैं फुटबॉल के खेल में। यहाँ तो गोलकीपर हेमंत सोरेन खड़ा है, एक आदिवासी का बेटा, मजबूत फौलादी जिगर वाला, क्या गोल कर पाएंगे आप। और देखिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है आज। झारखंड विधानसभा परिसर में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुष्प अर्पित कर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, विरोधी नहीं चाहते थे कि झारखंड अलग राज्य बने। अटल बिहारी के जी के साथ मैंने झारखंड का एक स्मृति जुड़ा हुआ है। आज अगर हम झारखंड प्रदेश में हैं तो उसका देन अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है इससे तो वो श्रद्धेय अटल बिहारी चेहरा उधर करो। और इस बीच मौसम से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें, आज राजधानी रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बताया जा रहा है कि बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने ठंड का गिरने की भी चेतावनी जारी की है और राज्य भर में पिछले 4 दिनों से मॉनसून सक्रिय है। और देखिए बताया जा रहा है किसानों के लिए बुलेटिन भी जारी किया गया, यानी जो किसान अभी तक धान रोपनी नहीं कर पाए हैं वो रोपनी के आखिरी समय में इसे पूरा कर सकते हैं। रांची के हुंडरू गांव की बेटियां भी अब रोपनी के लिए तैयार नजर आ रही हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर है ये रांची के हुंडरू की है जहां देखिए जो बेटियां हैं वो भी तैयार हैं धान रोपनी के लिए और लगातार मानसून काफी सक्रिय है झारखंड में। रांची समेत राज्य भर में मॉनसून और भी ज्यादा सक्रिय हो गया है। दरअसल एक मॉनसून का टर्फ लाइन झारखंड से होकर गुजर रहा है जिसका सीधा असर बारिश पर पड़ रहा है। आज 16 अगस्त है, येलो अलर्ट जारी किया गया, भारी बारिश हो सकती है राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में। लेकिन बता दें कि कल 17 अगस्त है और 17 अगस्त से 19 अगस्त तक अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हम इस समय राजधानी रांची के हुंडरू गाँव में हैं जो कि सटा हुआ गाँव है। यहाँ फुटबॉलर बेटियाँ हैं जो खेती भी करती हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो खेत बच गए हैं वहाँ धान रोपनी का काम आज पूरा होने जा रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं कि बारिश अच्छा होगी और बारिश ना अच्छा होने के कारण हम लोग का खेत परती रह गया है और बारिश होने के कारण यहाँ पानी भर गया है हम लोग का खेत में। और आज आप लोग खेत तैयार करके सीधे खेत जरा दिखाइए कि आज पहले खेत तैयार करेंगे उसके फिर आज जो धान रोपनी होगी। हाँ आज रोपनी तो होगी।
नहीं, आप लोग तो फुटबॉल भी खेलती हैं, खेती भी करती हैं, घर में पूरा किसानी का भी काम करती हैं। हाँ, हम लोग टाइम निकाल के फुटबॉल भी खेलते हैं और अब किसान घर से हैं तो खेती भी करते हैं। और बोले कि आज जो है आपके गांव में हुंडरू गांव में ये जो पूरा जो धान रोपनी का काम तो पूरा ही हो चुका है लगभग? हाँ, हो गया है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर छूट गया है उसका। आज हम लोग का जो खेती है वो छूट गया है, उसको हम लोग आज रोपनी करेंगे। देखिए, बता दें कि राजधानी रांची समेत राज्य भर की बात करें तो अमूमन जो है 15 अगस्त तक धान रोपनी का काम पूरा हो जाता है, लेकिन इस बार चूंकि बारिश थोड़ी लेट से हुई, मानसून बेईमान जरा लेट से हुआ, इसलिए मानसून में अभी जो है धान रोपनी का काम चल रहा है। और बता दें कि आप देख सकते हैं कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो पूर्वानुमान कुछ इस तरीके से है कि आज भारी बारिश यानी 16 अगस्त को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही 17 अगस्त से 19 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट है। मतलब कि जो भी किसान धान रोपनी नहीं कर पाए हैं अभी तक वो जल्द से जल्द इसे पूरा कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गांव में घरों में 3 फीट तक बाढ़ का पानी भरा हुआ है। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से गांव के लोग नाव से ही आना जाना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग काफी मुसीबत में रह रहे हैं, प्रशासन की तरफ से हमें कोई देखने वाला नहीं है। वोट लेने के वक्त सभी आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक विधायक या सांसद सुध लेने नहीं आए। देखिए, ये जो है ना PCC रोड है, इस पर नाव चल रहा है, पूरा देखिए रहे हैं जो सारा बस्ती डूब चुका है। ये अभी जो है तो हम लोग नाथू टोला में हैं, ऐसा टोला जो है तो 14 टोला प्रभावित है बाढ़ से, और आज तक हमारे ना सांसद ना विधायक कोई भी यहाँ देखने के लिए नहीं आया बाढ़ में ये क्या स्थिति है नहीं है। यहाँ बहुत कुछ की दिक्कत है, नाव बेढ़ा के अनाज पानी भी सब डूब धंस गया। यहाँ बहुत कष्ट है, अभी सरकारी कोई आदमी देखने नहीं आया। पूरा दिक्कत है सर, जरा रोड में पानी भर गया है, घर में भी पानी भर गया है, खाने पीने के कोई ऐसी है आना, कोई विधायक आए नहीं, कोई प्रशासन आए। और अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां सामाजिक संस्था राधा स्वामी संगठन ने एक अच्छी पहल की है। पिछले 15 सालों से अब तक लगभग 10,000 गरीब लड़कियों का विवाह मुफ्त में कराया गया है। इतना ही नहीं, जिले भर में सैकड़ों की संख्या में कोचिंग संस्थान भी चलाए जा रहे हैं। जिले में राधा स्वामी संगठन के द्वारा गरीब परिवारों के लिए काफ़ी मदद किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 15 वर्षों से राधा स्वामी संगठन गिरिडीह जिले में संचालित है, और इस संगठन के द्वारा अभी तक 10,000 से अधिक गरीब बच्चियों का मुफ्त में शादी करवाया जा चुका है। और इस दौरान जो दहेज दिए जाते हैं, मोटरसाइकिल हो, पलंग हो, और भी सामान दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी इस संगठन के द्वारा काम किया जा रहा है। यहाँ अभी बताया गया कि सैकड़ों की संख्या में कोचिंग सेंटर खोले गए हैं, जिनमें से सिर्फ गरीब के बच्चे पढ़ाई करते हैं। सिर्फ गिरिडीह या झारखंड ही नहीं, तकरीबन 18 राज्य में हमारा कार्य सक्रिय है। और मैं सिर्फ गिरिडीह जिला की बात करूं तो गिरिडीह जिला में लाखों सदस्य हैं हमारे, और हजारों बेटियों को जो है हमने शादी में सहयोग किया है, शिक्षा में भी बेटियों को सहयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार अपूर्णीय काम समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर राधा स्वामी संगठन के द्वारा गिरिडीह जिले में किया जा रहा है। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गुमला में पुलिस जवान की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जमीन खरीद बिक्री के विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के जवान अभिषेक उरांव की हत्या मामले का खुलासा के लिए SIT गठित की गई थी, जिसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही थी। गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया है कि नेतरहाट में जमीन की खरीद बिक्री में अवैध कमीशन नहीं मिलने के विवाद में हत्या की साजिश रची गई थी। इस हत्याकांड में शामिल बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। हो गई थी कि प्रारंभिक जानकारी घटना के 24 घंटे के अंदर ही प्राप्त हो गई थी कि इस घटना के पीछे मूलतः जमीन के खरीद फरोख्त और विवाद का विषय है। इस पर अनुसंधान करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया गया है। इसमें कुल 2 अपराध कर्मी घटना करने के लिए आए थे, जिसमें 1 की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 2 से 3 अन्य व्यक्ति है जो इस पूरे घटनाक्रम में साजिशकर्ता के रूप में थे, उसमें से 1 व्यक्ति। और यार रुक, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।